हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। आज की इस वीडियो में हम लोग आज मैं इस वीडियो में एक न्यू जनरल साइंस का वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ह्यूमन हर्ट। और ये टॉपिक हमारी एक व्यूअर मिस नासिमा खातून की रिक्वेस्ट पर लाई गई है। तो मिस नासिमा खातून, ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर लाई गई है। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन हर्ट, जो आपने हमें सजेस्ट किया था, तो आज हमने उस पर ही वीडियो बनाई है। सो व्यूअर्स, आप भी अपनी रिक्वेस्ट, आप भी अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, दैट इज ह्यूमन हर्ट, यानी कि मनुष्य के हृदय पर। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा ये फ्रेंड्स कि हम लोग ह्यूमन हर्ट की स्टडी, या फिर ये कह लीजिए कि हम लोग ह्यूमन हर्ट से रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी किस में करते हैं। ध्यान से सुनिए कि हम लोग ह्यूमन हर्ट या ह्यूमन हर्ट से रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी को क्या कहा जाता है। ह्यूमन हर्ट या ह्यूमन हर्ट से रिलेटेड डिजीजेस को की स्टडी को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। ह्यूमन हर्ट और ह्यूमन हर्ट से रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा फ्रेंड्स कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का, या फिर ये कह लो कि एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन हर्ट का वेट कितना होता है। ह्यूमन हर्ट का वेट कितना होता है, मतलब एक फुल मैच्योर्ड ह्यूमन बॉडी के हर्ट का वेट कितना होता है। तो इसका आंसर रहेगा 300 ग्राम। ह्यूमन बॉडी के हर्ट का वेट कितना होता है, 300 ग्राम। खैर, हमारा टॉपिक तो ह्यूमन हर्ट है, बट एक और नॉलेज आप ले लीजिए कि हमारा जो माइंड होता है यानी ब्रेन, हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है। हमारे ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम। कितना होता है, 1400 ग्राम हमारे ब्रेन का वेट होता है। एंड 300 ग्राम किसका वेट होता है, ह्यूमन हर्ट का। अंडरस्टैंड। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड प्रेशर का जिक्र किया था कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट स्फिंक्स मैनोमीटर से किया जाता है, और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ना। अब हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन सा ग्लैंड करता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम किस ग्लैंड का होता है। विच ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी या ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दिस ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ह्यूमन हर्ट से किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। विच साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन हर्ट्स। ह्यूमन हर्ट से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसका आंसर होगा, उसे बोलते हैं लब डब। ओके, लब डब, ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होती है हमारे ह्यूमन हर्ट से। तो फर्स्ट साउंड इज नोन एज लब एंड सेकेंड साउंड इज नोन एज डब। ठीक है,
तो ये साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा हर्ट, ह्यूमंस का हर्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि हमारे ह्यूमन हर्ट की हार्ट बीट को सुनने के लिए, हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अक्सर आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो आपका चेकअप करते समय वह इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। तो हमारे ह्यूमन हार्ट के हार्ट बीट को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप की मदद से ह्यूमन हार्ट की हार्ट बीट को क्या किया जाता है? सुना जाता है। अंडरस्टैंड? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हमारी हार्ट बीट को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हमने ग्लैंड की बात करी थी कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम एड्रेनल ग्लैंड करता है, बट हमारी हार्ट बीट को बढ़ाने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है? उस हार्मोन का नाम होता है फ्रेंड जो हमारी बॉडी में होता है, इनफैक्ट वो हमारे गले में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। आपको पता होगा थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ह्यूमन के हार्ट बीट को बढ़ा देता है, या यू कह लो कि मानव के हृदय को उत्तेजित कर देता है। मानव के हृदय को नहीं, सॉरी, ह्यूमन हार्ट की हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अंडरस्टैंड? तो ह्यूमन की हार्ट बीट को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अंडरस्टैंड? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये है फ्रेंड्स कि ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? यानी मनुष्य के हृदय की गतिविधि को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम ह्यूमन हार्ट की गतिविधियों को मेजर करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है फ्रेंड्स, उसका नाम होता है ECG। तो ECG की मदद से हम लोग ह्यूमन हार्ट की गतिविधि को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किसकी मदद से? ECG को। ECG एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ ECG, हम लोग ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा फ्रेंड्स कि ये ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि इस ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ECG का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG एंड इसकी हेल्प से हम ह्यूमन हार्ट की एक्टिविटीज को या गतिविधियों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, यानी मापते हैं। ओके? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहेगा फ्रेंड्स कि वीनस हार्ट किसके हार्ट को कहा जाता है? यस, किसके हार्ट को, यानी किसके हृदय को वीनस हार्ट बोला जाता है? वीनस हार्ट किसके हार्ट को बोला जाता है? तो वीनस हार्ट किसके हार्ट को बोला जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फिश यानी मछली। फिश के हार्ट को क्या बोला जाता है? वीनस हार्ट। अंडरस्टैंड? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ब्लड प्रेशर हमेशा 120/80 mmHg रहना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन का। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो देखिए, दोनों ही बीमारियां, ब्लड प्रेशर का हाई होना भी गलत है और ब्लड प्रेशर का लो होना भी गलत है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा उसी पर बेस्ड रहेगा कि ब्लड प्रेशर का हाई होना क्या कहलाता है।
अगर किसी का बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन। अगर किसी का बीपी हाई होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ किसी भी ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। अंडरस्टैंड? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हाई होना जान लिया तो लो होना भी जान लेते हैं। तो अगर किसी ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल मींस 120/80 से कम हो जाता है, ये तो हाई होना था ना, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है यानी बीपी लो हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स हाइपोटेंशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाइपोटेंशन। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर का हाई होना हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर का लो होना क्या कहलाएगा? हाइपोटेंशन। हाई हाइपरटेंशन एंड लो हाइपोटेंशन। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा फ्रेंड्स कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है। तो क्या होता है कि जब हार्ट बीट चलती है, जब एक धड़कन प्रोड्यूस होती है तो उसको प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है? यस, फिर से सुनिए कि ह्यूमन हार्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसको एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है? तो एक हार्ट बीट हार्ट द्वारा प्रोड्यूस होने में बहुत ही कम, मतलब 0.8 सेकंड लगता है। वन हार्ट बीट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत लोगों का हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगा करके हार्ट की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, वो नेचुरल हार्ट नहीं होता, वो आर्टिफिशियल हार्ट होता है, तो उसके सारे हार्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है जो एक आर्टिफिशियल हार्ट का काम करता है? उस डिवाइस का नाम क्या होता है फ्रेंड्स? पेसमेकर। पेसमेकर इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल डिवाइस है जो जिसका हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पाता वो इस डिवाइस का यूज करके हार्ट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाता है। तो किस डिवाइस की मदद से हार्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाया जाता है? पेसमेकर, बाय पेसमेकर। अंडरस्टैंड? अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा फ्रेंड्स कि देखिए ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन हार्ट से जो ब्लड होता है वो ब्लड को हमारे ऑर्गन तक सप्लाई कराने का काम किसका होता है? ह्यूमन हार्ट से ब्लड को कैरी करके हमारे बॉडी के ऑर्गन तक सप्लाई कौन करता है? मतलब हार्ट से ब्लड लेना और फिर उसको पूरे ऑर्गन्स को प्रोवाइड कराने, सप्लाई कराने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स आर्टरीज। जो आर्टरीज होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ह्यूमन हार्ट से ब्लड को लेकर के हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है? सप्लाई करता है, पहुंचाता है। और ये जो ब्लड लेता है ना, ये प्योर ब्लड होता है। अब ऑर्गन्स को इम्प्योर ब्लड तो प्रोवाइड कराएगा नहीं, आर्टरीज हमेशा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन हार्ट से ब्लड लेकर के ऑर्गन को कौन सप्लाई करता है? तो हार्ट से ब्लड लेकर ऑर्गन को सप्लाई कराने का काम आर्टरीज का होता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन प्योर ब्लड को कैरी करता है? प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या, आप क्या समझते हो प्योर ब्लड कहने का? प्योर ब्लड मतलब होता है ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो। क्या हो? मैंने क्या बोला? ऑक्सीजनेटेड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब क्या, ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं प्योर ब्लड। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है हार्ट से, और उसे किस तक पहुंचाता है, हमारे ऑर्गन्स को पहुंचाता है। अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं आगे। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो गई, मींस प्योर ब्लड की बात हो गई, तो इम्प्योर ब्लड की भी बात कर लेते हैं। देखिए बात क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहले तो मेरा क्वेश्चन था कि प्योर ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम था, अब ऑर्गन से वापस हार्ट को इम्प्योर ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो काम होता है फ्रेंड्स वेन्स का। किसका काम होता है, वेन्स का। मैं यहां पर लिख देती हूं, इम्प्योर ब्लड वापस से हार्ट को कौन जा करके पहुंचाता है, वेन्स। आर्टरीज हार्ट से ऑर्गन को पहुंचाता है, मैंने हार्ट को एच से डिनोट किया है और ऑर्गन को ओ से डिनोट किया है, तो हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का, और वापस से हार्ट को पहुंचाने का काम किसका होता है, वेन्स का। और ये जो ब्लड ये कैरी किया है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इम्प्योर ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। कहने का मतलब क्या, प्योर ब्लड मैंने आपको बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड, और ये कैरी करने का काम किसका होता है, वेन्स का। और ये प्योर इम्प्योर ब्लड, सॉरी इम्प्योर ब्लड कैरी करके किस तक पहुंचाता है, हमारे हार्ट को, और हार्ट से ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है, आर्टरीज को। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड, तो एकदम केयरफुली ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अगर हमारे बॉडी में आरबीसी सेल की कमी हो जाती है, पिछले चैप्टर में हमने ब्लड, सॉरी पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने ब्लड का जिक्र किया था, तो अगर आरबीसी सेल किसी ह्यूमन बॉडी में कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल, तो उसे कौन सी बीमारी होती है, तो उसे बीमारी होती है, इसका आंसर होगा एनीमिया। एनीमिया मींस खून की कमी जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। आरबीसी सेल की कमी होने से कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। अंडरस्टैंड। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहेगा, आज के इस वीडियो सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रहेगा फ्रेंड्स कि ह्यूमन का हार्ट 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर होगा 72 times धड़कता है, 72 times, 72 बार। अंडरस्टैंड। तो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है ह्यूमन के हार्ट को कितने चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं फ्रेंड्स, 4 चैम्बर। ओके, देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहेगा फ्रेंड्स कि हार्ट अटैक का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, ह्यूमंस को हार्ट अटैक क्यों आता है? यस, ह्यूमन को हार्ट अटैक आने का बेसिक रीजन क्या होता है, किस वजह से हार्ट अटैक आता है? देखिए, इसका आंसर होगा कि जब हमारे हार्ट में ब्लड की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, तो उसकी वजह से ह्यूमंस को क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? ड्यू टू लैकनेस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट को हार्ट अटैक क्यों आता है फ्रेंड्स? जब हमारे हार्ट को जितना ब्लड अमाउंट चाहिए रहता है, जब उसमें कमी हो जाती है, तो ह्यूमंस को क्या आता है, हार्ट अटैक। तो इसका आंसर होगा हार्ट अटैक आने का बेसिक रीजन ड्यू टू द लैकनेस मीन्स कमी, लैकनेस ऑफ ब्लड इन हार्ट, इस वजह से ह्यूमंस को हार्ट अटैक आता है। अंडरस्टैंड? अब बढ़ते हैं आगे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन का हार्ट बीट नॉर्मली कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है ना, कभी कभी हार्ट बीट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमन की हार्ट बीट का नॉर्मल से तेज होना, वैसे तो नॉर्मली 72 टाइम्स ही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, बट अगर इससे ज्यादा हो जाता, अंडरस्टैंड? टेकोकार्डिया, ह्यूमन हार्ट जब नॉर्मल से काफी ज्यादा तेज हो जाता है, सॉरी, ह्यूमन हार्ट का जो हार्ट बीट होता है, ह्यूमन का जो हार्ट बीट होता है मींस जो हृदय की धड़कन होती है, वो जब नॉर्मली से काफी ज्यादा तेज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेकोकार्डिया। अब तेज होना जान लिया तो कम होना भी जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन का हार्ट बीट नॉर्मली जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उससे बहुत कम प्रोड्यूस हो, अंडरस्टैंड? जितना हार्टबीट प्रोड्यूस होना चाहिए, कभी कभी हृदय की धड़कन बहुत कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो ह्यूमन के हार्टबीट का नॉर्मल से कम होना क्या कहलाता है, बैडीकार्डिया। अंडरस्टैंड? नॉर्मल से ज्यादा होना, हार्ट बीट ज्यादा होना टेकोकार्डिया कहा जाता है, और नॉर्मल से कम होना बैडीकार्डिया कहा जाता है। ओके, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट, जो कि हमारे एक व्यूअर मिस नासिमा खातून की रिक्वेस्ट पर हम लोग लेकर के आए थे, इस पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। आप लोग इसे फिर से रिवाइज करोगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, अगर किसी व्यूअर को और भी किसी टॉपिक पर नॉलेज चाहिए होगी, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर डेफिनेटली बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।